साथियों नमस्कार। आजकल के युग में हर व्यक्ति अथक परिश्रम करके सुख समृद्धि धन वैभव विलासिता पाना चाहता है और सभी लोग निरंतर संघर्षशील है इसके लिए। मैं देख रहा हूं कि इसका कुछ ना कुछ तो समाधान संघर्ष के अतिरिक्त भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि ज्योतिष में इसके लिए कोई ना कोई अलग से समाधान जरूर होगा और इसके इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। सभी लोग सुख समृद्धि वैभव पाना चाहते हैं जीवन में, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या कोई ज्योतिषीय कारण हो सकता है इसका कि कोई अमुक ग्रह ऐसा हो, कोई स्पेसिफिक प्लेनेट ऐसा हो जो इस चीज को बढ़ावा देता हो और हमें जीवन में सुख दे पाए? तो जी इसके विषय में बताइए। आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का सीधा संबंध जो जा रहा है वो जा रहा है शुक्र ग्रह को। आज के समय पर हर व्यक्ति जो अपने जीवन में चाहता है वो चाहता है सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, भोग, आराम, और इन सबका संबंध शुक्र ग्रह से है। ठीक है ना? तो जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा उसको ये सब कुछ ना विरासत में ही मिल जाएगा, जन्म से ही प्राप्त हो जाएगा। और जिसकी कुंडली में शुक्र शुभ नहीं होगा उसको जीवन भर इस चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे किसी व्यक्ति का शुक्र शुभ है या शुभ है? देखिए, इसको पता लगाने के लिए जन्म कुंडली से ही मालूम पड़ जाता है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा रहे हैं तो वो आपके शुक्र के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानकर आप ये पता कर सकते हो कि आपका शुक्र शुभ है अथवा अशुभ है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि शुक्र क्या है। यह जानना बेहद जरूरी है। देखिए, शुक्र को जिस तरह से समाज में रखा गया है वो काफी नेगेटिव चीजों में रखा गया है। जैसे कि भोग विलासिता तो एक शुभ चीज है, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, लेकिन इसको कामुकता में, कहीं ना कहीं विलासिता में से जोड़कर देखा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, और साथ में इस प्रोग्राम को देख रहे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्र जीवन है। अच्छा जी, शुक्र इसलिए जीवन है कि इस संसार में जो भी नया प्राणी आता है उसकी उत्पत्ति ही शुक्र के द्वारा होती है। ठीक है ना? और जन्म कुंडली को जब आप देखेंगे तो जन्म कुंडली के अंदर जो दूसरा घर है उसको कुटुंब भाव कहा जाता है, और काल पुरुष की कुंडली के अंदर वहां पर दो नंबर राशि आती है जो कि शुक्र की है, वृषभ राशि। इसी तरह से कुंडली के सातवें घर के अंदर जो राशि आती है वह भी शुक्र की है, यानी कि तुला राशि। अब जो पहली राशि है यानी कि प्रथम भाव, लगन भाव, वो जन्म है, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है ना? तो किसके द्वारा हुआ? शुक्र द्वारा हुआ, और उसके बाद उसका जो लालन पालन शुरू होगा वो शुक्र से ही होगा। यानी कि दूसरे घर के अंदर जो शुक्र की राशि आ रही है वहां चंद्रमा उच्च का होता है, और चंद्रमा को मां से जोड़कर देखा गया है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे प्रथम वो मां की गोद में ही रहता है और मां के दूध से ही उसका लालन पालन स्टार्ट होता है। इसीलिए शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च का है, यानी कि एक बच्चे की स्टार्टिंग हो रही है तो शुक्र से ही हो रही है कहीं ना कहीं। और वहां से जब स्टार्ट करेंगे तो कुंडली को दो भागों में यदि हम बांट देंगे, यानी कि पहले घर से लेकर छठे घर तक, और फिर दूसरा स्टार्ट होगा सातवें घर से लेकर बारहवें घर तक जी। तो प्रथम भाव से लेकर और छठे भाव तक बच्चा जो है वो माता पिता के संरक्षण में रहता है, यानी कि उसकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाना लिखना सब कुछ माता पिता कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां भी शुक्र काम कर रहा है सेकंड हाउस के अंदर, मां की छत्र छाया में है। उसके बाद उसका नया जीवन स्टार्ट होता है विवाह से, जब उसका विवाह होता है जी। तो जब उसको जीवन साथी मिल रहा है वो भी सप्तम भाव से शुक्र ही दे रहा है। ठीक है ना? अब इस सातवें घर में जो तुला राशि पड़ती है यहां शनि उच्च के होते हैं, सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च के हुए जहां से उसका लालन पालन शुरू हुआ, बचपन शुरू हुआ। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो वहां भी शुक्र उसका उसकी सहायता कर रहा है और वहां उसको जीवन साथी दे रहा है। वहां पर उच्च हो रहा है शनि, शनि यानी कि मेहनत। ठीक है ना? तो यहां पर उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई अब माता पिता का जो है फर्ज पूरा हुआ, अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, तुम्हें अपनी गृहस्थी देखनी है, तुम्हें मेहनत करनी है, कमा के लाना है, अपने परिवार को पालना है। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि शुक्र ग्रह का वैवाहिक जीवन से भी लेना देना है? पूर्ण रूप से ही शुक्र का वैवाहिक जीवन से लेना देना है। तो ये कैसे प्रभावित करता है वैवाहिक जीवन? देखिए, बहुत तरीके से। देखिए, विवाह जो होता है, विवाह जो होता है वो शरीर का होता है जी। ठीक है ना? लेकिन इसमें आनंद आता है मन को कहीं ना कहीं। तो मन तो चंद्रमा है, लेकिन जो शरीर है, शरीर की बात करें तो शरीर को हम शुक्र से ही जोड़ेंगे। आत्मा सूर्य है,
क्योंकि शुक्र को जोड़ा गया है मिट्टी से और ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, तो विवाह हुआ शुक्र का, ठीक है ना। तो जो सामने जैसे कोई महिला है और महिला का पुरुष के साथ विवाह हुआ, तो पुरुष है मंगल, महिला है शुक्र, ठीक है ना। और मंगल और शुक्र जब मिलते हैं विवाह के रूप में, तब जिंदगी की स्टार्टिंग होती है और एक नया जीवन पनपता है कहीं ना कहीं उन दोनों के मिल से। तो शुक्र कुंडली के अंदर जब खराब होगा तो उनके वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव आएगा। वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, उनमें अनबन रहेंगी, शारीरिक सुख जो होगा उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, जिससे एक व्यक्ति असंतुष्ट होकर के तमाम तरह के कदम उठा लिए जाते हैं आज के दुनिया में, डिवोर्स तक बात चली जाती है, एक्स्ट्रा अफेयर हो जाते हैं, ये सब कुछ शुक्र के खराब होने पे तो हो रहा है। जब शुक्र अच्छा होगा तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। और मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि शुक्र को अच्छा रखने के लिए बृहस्पति का भी अच्छा होना जरूरी है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि शुक्र अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन शुक्र उन लोगों का भी अच्छा है जो कलाकार जिनको आप देख रहे हैं टीवी पर, पर्दे पर, ठीक है ना, उनका शुक्र अच्छा है तभी तो वो इस तरह प्रोफेशन में है। लेकिन रात की पार्टियां करना, रात को घूमना, अफेयर्स में रहना, मौज मस्ती करना, ये भी तो उन्हीं को उन्हीं के लिए देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो जिनका शुक्र अच्छा होगा, शुभ होगा, उनके जीवन में लग्जरी भी होगी और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें भी उनके जीवन के अंदर आएंगी जो अफेयर्स को जोड़ेंगी, जो कहीं ना कहीं अनावश्यक चीजों को जोड़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर बृहस्पति साथ में काम करेंगे तो शुक्र अच्छा होने के साथ साथ वो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, तब कहा जाएगा कि शुक्र शुभ भी है और पॉजिटिव भी है। तो फिर और शुक्र को बलवान बनाने के लिए दैनिक दिनचर्या में हम क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले तो ये तोलिए कि शुक्र कुंडली के अंदर शुभ फल में जा रहा है या अशुभ फल में, क्योंकि इसे देखने के बाद ही आप शुक्र के प्रभाव को समझते हुए उसकी दिनचर्या को सेट कर पाओगे कहीं ना कहीं। जैसे कि शुक्र कुंडली के अंदर यदि अशुभ स्थिति का है, ठीक है ना, तो अशुभ स्थिति में आपको अपनी दिनचर्या के अंदर शुक्र की दान, शुक्र की वस्तुएं दान करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपका शुक्र सुधरेगा। और यदि कुंडली के अंदर शुक्र आपका शुभ है परंतु कमजोर है या अस्त है, तो उसके लिए आपको शुक्र को अपनाना पड़ेगा, उसकी वस्तुओं को जीवन में लाना पड़ेगा, तब आपका शुक्र अच्छा होगा। वस्तुएं जैसे कि देखिए, जिनका शुक्र खराब होता है उन लोगों में अक्सर देखा जाता है कि वो लोग नमकीन चीजों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, मीठे को कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं, पीछे रखते हैं। सपोज दैट कि मंगल जो है वो मीठा है और शुक्र का संबंध मंगल से विशेष करके है, जिसके साथ रहकर के शुक्र कंफर्टेबल फील करता है कहीं ना कहीं, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे कि मिर्च मसालों की चीजें, चटपटी चीजें, इनकी तरफ आकर्षित होंगे। शुक्र जिनकी कुंडली के अंदर खराब फल दे रहा होगा उनको चीजें खरीदने की आदत तो होगी लेकिन उनको मेंटेन करने की आदत नहीं होगी। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं जी। कपड़े खरीदेंगे लेकिन एक बार पहनने के बाद वो कपड़े ना वो उधर उधर डाल देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्टी में जाना होगा तब ढूंढेंगे कि कपड़े हमने वॉश किए नहीं किए, प्रेस लगी नहीं लगी। कभी कभी तो याद ही नहीं रहता कि हमें ये कपड़े खरीदे थे, काफी टाइम बाद निकल पाता। ये शुक्र की वही आदत है कि शुक्र कुंडली के अंदर दे तो रहा है आपको लेकिन उसकी वो खराबी भी झलक रहा है जिसमें आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। लोग गाड़ी खरीद लेते हैं लेकिन गाड़ी पर धूल जमी रहती है, सफाई भी नहीं करते, तो ये शुक्र की खराबी है। और इसका पॉइंट मैं आपको गिनाता हूं, कुंडली के छठे घर में शुक्र नीच का होकर के भी सुख देता है और कुंडली के बारहवें घर में भी ऐश्वर्य देता है। तो जिसका कुंडली के छठे घर में शुक्र पड़ा होगा, नीच का पड़ा होगा, उसको ये सारी सुख सुविधाएं मिल रही होंगी लेकिन मैनेज नहीं करेगा। लेकिन जिसका कुंडली में बारहवें घर में होगा उसको सुख सुविधाएं मिल भी रही होंगी और वो अनावश्यक उन चीजों को बर्बाद नहीं करेगा, उनकी वैल्यू जी। That's very nice. तो पंडित जी, और इसके अलावा कुछ बेसिक डेली लाइफ में कुछ हम ऐसा एड ऑन कर ले जिससे कि सबका ही शुक्र एक कॉमन सॉल्यूशन हो, कुछ बेसिक चीजें जो हम सब फॉलो कर पाए? जी। तो जैसे बहुत सारे लोग कुंडली कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो 100% लोग उस सॉल्यूशन को फॉलो करें और कुछ अपनी लाइफ में बेनिफिट में उसका। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, सभी के काम आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम रूटीन में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से शुक्र हमारा अच्छा रहे। जी, तो आपको मैं बताता हूं कि शुक्र वास्तविकता में शरीर के अंदर जो काम करता है वो करता है आपकी ताकत, पुरुषार्थ, ठीक है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, ठीक है, ताकत। अगर आपके अंदर वीकनेस आ रही है तो शुक्र कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है।
अभी आपने सुना होगा कि सेब, एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर के पास जाने की मनाही है जी। है ना, व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन के अंदर, डाइट के अंदर यदि सेब खाना शुरू कर दो जी, ठीक है ना, तो सेब क्या ना, सेब बृहस्पति है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि शुक्र को अच्छा रखना है तो बृहस्पति का साथ लीजिए, है ना। तो यदि आप एक सेब रोज खाते हो तो आपका शुक्र जो है वो प्रबल रहेगा शरीर के अंदर, तो रोगों से लड़ने की ताकत आपको मिलेगी। और एक राज बताता हूं मैं आपको कि जितनी भी मेडिसिन दुनिया के अंदर मौजूद है, खास करके एलोपैथिक जो जल्दी काम करती है, वो सारी के सारी शुक्र है। यानी कि शुक्र जीवनदाता है। जैसे मैंने कहा कि जीवन भी वही उसी के द्वारा आ रहा है और जीवन बचाया भी उसी के द्वारा जा रहा है। और शुक्र का संबंध, यानी कि शुक्र शुक्राचार्य दैत्य गुरु। और आपको अगर पुरानी स्टोरी पता ही होगी कि शुक्राचार्य जी ने ही भगवान शिव का तप करके, ठीक है ना, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी जी, जी। जो मरते हुए को भी जीवित कर दे जी। ठीक है ना, तो मेडिसिन में भी वही ताकत है। ये है शुक्र। तो सेब जो है वो बृहस्पति है, शरीर में जाएगा तो शुक्र का निर्माण करेगा। ओवरऑल आचार्य जी कहना चाहते हैं कि an apple a day keeps the doctor away and also makes you prosperous also। जी जी, आपको समृद्ध भी बनाएगा बिल्कुल ज्योतिषीय रूप से। हाँ, एकदम से। तो यहाँ पे हेल्थ का भी इशू आपको सॉर्ट आउट हो गया एंड प्लस आपका सोशल इशू और पर्सनल इशू भी सॉर्ट आउट हो गया जी। तो अब सेब आप सब, हम सब मिलकर डेली एक सेब जरूर खाएंगे जी जी जी। इसके अलावा कुछ और कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए शुक्र के लिए जैसे बृहस्पति का साथ देने की मैंने कही थी, ये जो बातें हो रही है ये शुक्र कुंडली में कैसा भी हो, ठीक है ना, ये अच्छा ही फल देगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी जरूर यूज करें। और इसके अलावा अगर आपको और ताकत चाहिए, यानी कि शुक्र का और प्रभाव चाहिए जीवन के अंदर, तो आप सोना, सोने को गर्म करके गैस पर किसी पे गर्म करके दूध में बुझाकर यदि आप रोजाना उस दूध का सेवन करते हैं तो शुक्र की धातु आपके शरीर के अंदर एकदम पौष्टिकता में बनेगी, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई संघर्ष चल रहा है, आपके अंदर कोई हीन भावना है, तो वो भी दूर होगी। क्योंकि आजकल इस तरह की चीजों पर लोगों का ध्यान बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन बात करने में कतराते हैं और इससे वैवाहिक संबंध बहुत टूट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी शुक्र को मजबूत करेगा, सेफ हो जाएगी, बिल्कुल सेफ हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये तो रहा शुक्र को पॉजिटिव करने का तरीका, अभी शुक्र को एक दूसरा रूप भी है इसके द्वारा ठीक किया जाता है। शुक्र जैसे मैंने आपसे कहा शरीर, क्योंकि मिट्टी से शरीर बना है, और लाल किताब के अंदर कहा गया है कि बुध के बिना शुक्र पागल होता है, ठीक है ना। किसी को शरीर मिला लेकिन बुद्धि ना मिले, तो ये शरीर कहां काम कर रहा है, कहां हम बैठे हैं, कहां उठ रहे हैं, कौन हमसे क्या कह रहा है, हमें इसके बात की परवाह नहीं होगी, तो शुक्र तो पागल हो गया ना जी, बुद्ध के बिना, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा होगा बेसिकली एक उपाय बड़ा जनरली बताया जाता है कि गाय को हरी घास खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, ठीक है। ये बुद्ध का संबंध शुक्र से करवाया जा रहा है। इसमें शुक्र कौन है? शुक्र गाय, ठीक है, बुद्ध हरे हरा चारा, ठीक है ना, हरी सब्जियां। तो जब गाय की सेवा की जाती है और गाय को ये हरी चीजें दी जाती हैं तो बुद्ध और शुक्र मिल जाते हैं। ऐसे में जब इन दोनों का मेल होगा तो आपके जीवन के अंदर लग्जरी आएगी। आपका जो कामकाज आप करते हो उसके अंदर आपको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन उसके बाद ही मेरे को परिणाम नहीं मिल रहे, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं इंटरव्यू पर जाता हूं और भूल जाता हूं, तो आपको गाय को हरी घास या हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इससे शुक्र का संबंध बुध के साथ हो जाएगा, बुध के साथ हो जाएगा। तो आपकी जो याददाश्त वाली जो प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों को कि याददाश्त मेरी कमजोर हो गई है, तो उसमें भी आपको इजाफा होगा, साथ ही साथ अपने इंटरव्यू को अच्छे से कर पाएंगे और व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया चलेगा इस उपाय के साथ, ठीक है ना। हाँ, और इसका दूसरा रूप भी आता है कि शुक्र कुंडली के अंदर खराबी दे रहा है, ठीक है ना, तब क्या करना चाहिए? उस समय पर आपको शुक्र की खराबी को देखते हुए आपको जैसे शुक्र की कुछ वस्तुएं हैं जैसे कि रुई कॉटन, उसके अलावा देसी घी और कपूर एवं दही, ये शुक्र की वस्तुएं हैं। जब शुक्र बहुत ज्यादा खराबी दे रहा हो तो मंदिर में, खास करके शिवजी का मंदिर हो तो अति उत्तम, या फिर लक्ष्मी जी का मंदिर हो, ठीक है ना, इन दोनों मंदिर में से किसी भी मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को यदि ये चीजें दान की जाए तो भी शुक्र शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, दही कॉटन जी, देसी घी कपूर, ओके, ठीक है। और एक बढ़िया बात आपको मैं समझाता हूं आपके माध्यम से और लोगों को भी पता चलेगा कि
जब आप गाय, गाय क्या है? शुक्र। बुध क्या है? हरी घास। जब आप गाय को घास खिलाते हो तो गाय क्या देती है? दूध। दूध देती है, ठीक है ना। वो दूध क्या है? चंद्रमा। अच्छा, ठीक, दूध चंद्रमा। तो जो आप लग्जरी की बात कर रहे हैं, जीवन में लग्जरी नहीं आ रही है, तो लग्जरी एकदम से तो नहीं आएगी। पैसा आएगा आपके पास, उससे आपके जीवन में लग्जरी आएगी। ओके, कहीं ना कहीं। तो वो चंद्रमा से, पैसा चंद्रमा से मिलता है। ओके, कहीं ना कहीं। तो जैसे गाय दूध देती है, वैसे ही जब आप गाय का संबंध बुद्ध के साथ यानी कि घास के साथ कराएंगे, तो चंद्रमा उत्पन्न होगा, जिससे आपके पास जो पैसे की किल्लत है कि मेरे पास पैसा नहीं आता, वो भी आएगा। और एक और चीज, इसी चंद्रमा से शुक्र उत्पन्न होता है। कैसे? जब दूध को मठे को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है और मक्खन से घी निकलता है, ये पुनः शुक्र का निर्माण हो गया। ओके, कहीं ना कहीं, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल स्टडीज है ये पूरी। हाँ जी, तो इस तरह से शुक्र को अपने जीवन में अगर आपको सही करना है तो आपको उसके लिए बृहस्पति का, बुध का और मंगल का साथ लेना बेहद जरूरी है। यहां मंगल के साथ से मतलब है कि जब आप बहुत ज्यादा, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मैं बहुत वीक हो रहा हूं, मेरे साथ सुस्ती बहुत रहती है, ठीक है ना, मेरे जीवन में उत्साह नहीं है, तो यहां पर मंगल का साथ लीजिए और इसमें कहा जाएगा कि आप अनार के जूस का सेवन करिए। ओके, उससे मंगल स्ट्रांग होगा, उससे मंगल स्ट्रांग होगा और आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर व्हाइट सेल और रेड सेल बढ़ेंगे और वो मंगल और शुक्र का मिला हुआ उपाय है। तो साथियों देखिए, शुक्र का बेनिफिट, फुल एडवांटेज लेने के लिए आचार्य जी ने बताया कि बृहस्पति का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, चंद्रमा का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, बुध का स्ट्रांग होना भी जरूरी है और मंगल का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, और इन सबकी रेमेडीज भी आचार्य ने हमें बता दी। तो बेटर है हम इस सारी रेमेडीज को एक बार रिव्यू कर लेंगे और फिर से हम उनको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। तो आचार्य जी ने बताया कि शुक्र को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले गाय की सेवा करें जी, और इसको और बेहतर बनाने के लिए यदि शुक्र आपका शुक्र भाव दे रहा है तो आप शुक्रवार के दिन मंदिर में दही, कॉटन, कपूर, देसी घी जैसी चीजों का दान करें, और मंगल को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको गलार के सेवन का जूस सेवन करें, और बृहस्पति को स्ट्रांग बनाने के लिए आचार्य जी ने बताया कि दूध में हल्दी डालकर उसका प्रयोग करें, उसका प्रयोग करें। तो ये सारी चीजें हमने रिकॉल कर ली एंड आई होप दैट कि हम सब लोग अब जो है अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बनाएंगे और बलवान रखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। धन्यवाद साथियों।